इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोस जो सेक्शन होता है उसके सेकेंड चैप्टर, यानी कि हम एक तरीके से बात करने वाले हैं अ फेलो ट्रैवलर के बारे में, और इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स में देखेंगे और इसके कंटेंट देखेंगे, पर्टिकुलरली चैप्टर के कुछ पार्ट्स देखेंगे, कुछ पार्ट मतलब कि शुरू के कुछ पार्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बीच के कुछ पार्ट, फिर आखिरी वीडियो में फिर कुछ और पार्ट, मतलब दो तीन पार्ट में मैंने पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में और एक्सप्लेनेशन भी आपको ईजी पड़े। पहले सबसे पहले आप क्या काम करें, पेंसिल या पेन कॉपी जरूर रखें अपने पास, और बुक भी अपने पास जरूर रखें ताकि आपको कुछ नोट करने को मिले तो नोट कर लें और समझ जाएं, क्योंकि स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगी, चाहे आप मोबाइल देख रहे हो चाहे आप लैपटॉप में देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे इतना साफ साफ नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ बुक अपने पास जरूर रखें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछला वीडियो कहने का मतलब ये पिछला चैप्टर गर्ल विद बास्केट नहीं देखा है या उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं समझ पाए अपने टीचर के द्वारा या आपको नहीं आ रहा है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हो, आपको वो कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपके उसके क्वेश्चन आंसर भी या एक्सप्लेनेशन भी आप जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर का नाम है अ फेलो ट्रैवलर, जिसको लिखा है एजी गार्डिनर ने लिखा है। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर याद रखें, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में चेक कर सकते हो खुद कि आई डू नॉट नो से लेकर इवन डोरा यहाँ तक के कंटेंट को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे कंटेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो के उसके आगे कंटेंट हम ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कॉपी है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लें, पॉज करके वीडियो को पॉज मतलब रोक कर भी आप लिख सकते हो। कैरेज मतलब होता है गाड़ी, पता ही आपको, और इंडीड मतलब वास्तव में, जैसे होता है ना सॉरी इंडीड, थैंक यू इंडीड, वास्तव में धन्यवाद, वास्तव में खेद है बोलते हैं, तो उसी को इंडीड बोलते हैं। इन्फिनिटली मतलब होता है असीम रूप से, मतलब बहुत बड़े रूप से बोलते हैं ना, असीम रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह बोलते हैं ना लोग। वही लीजर मतलब होता है आराम, और लीजरली मतलब होता है आराम से। फिर इटर्निटी मतलब होता है अनंत होता है ना, जो कभी खत्म ना हो, वो अनंत काल। फिर आता है आपका टॉलरेबली मतलब पता है यूं ही बोलते हैं ना, यूं ही मैंने ऐसे कर दिया, यूं ही ऐसे हो गया वो। अलाइटेड मतलब उतर गई या उतर गए। आउटर रिंग मतलब होता है बाहरी घेरा। थॉट मतलब पता है आपको विचार। प्लेजेंट मतलब होता है सुहानी, अच्छा फील होना उसको बोलते हैं। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम का ही सिनोनिम से पर्यायवाची है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो लिबर्टी ऑफ स्टेचू क्या दिखाता है, जो आपको पता है अमेरिका में है या एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट में है, उसका मतलब होता है कि स्वतंत्र का प्रतीक। तो वो अनरिस्ट्रेंट मतलब होता है जो कंट्रोल हो सके, और अन मतलब जो ना कंट्रोल हो सके, यानी कि बेसब्री कंट्रोल नहीं होती हमसे। अग्रीएबल मतलब होता है सहमत होना किसी चीज़ से। आर्गूमेंट मतलब पता है आपको तर्क देना, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क देना या तर्क। ट्रिम्पेंथली मतलब होता है विजयी होकर, ट्रिम्पेंथली बोलते हैं उसको, ट्रिम्पेंथली इस तरीके से आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको इजी होगा पढ़ने में। फिर काउंटर स्ट्रोक प्रत्याघात, स्ट्रोक मतलब मारना या किसी चीज़ को ढकेलना बहुत तेज से, और काउंटर मतलब होता है उसके विपरीत, उसके उल्टा होता है ना, काउंटर अटैक होता है, अटैक करना फिर काउंटर अटैक होता है ना, तो वही वाला। फिर हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, किसी चीज़ में रुकावट। प्रोवोकिंग मतलब चिढ़ाना या परेशान करना, खासकर चिढ़ाने से ही मतलब होता है चिढ़ाना या चिढ़ाना होता है प्रोवोकिंग मैन लिखा होता है तब आप बोल सकते हो चिढ़ाने वाला। शट मतलब बंद। गोल्फ स्ट्रोक मतलब सिंपल गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक खेल का नाम है, स्ट्रोक मतलब जो जिस तरीके से हम गोल्फ स्ट्रोक मतलब जो गोला सा गेंद होता है उसको मार सकते हैं, उस तरीके उसको बोलते हैं गोल्फ स्ट्रोक। आपको पता होगा गोल्फ एक गेम का नाम है, उससे ये वर्ड बना है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। क्यूशन बोलते हैं, तकिया इसे बोलते हैं, रुई का जो बना होता है कॉटन का। लग्जरी मतलब विलासित मतलब बड़े आराम वाली जिंदगी। डोरा डोरा एक्चुअली क्या है, कोई वर्ड नहीं है, ये आपका एक
शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है एक नियम का, जिसका मतलब होता है द डिफेंस ऑफ रियल आर्ट। ये भी हम डिस्कस करेंगे बुक में आएगा तो, कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। और स्केप्ट मतलब होता है बचना, किसी चीज़ से छुपना या बचना। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड आपके अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें ये सब आएगा। याद रखिएगा, प्रोवोकिंग जो बुक में आएगा उसका मतलब होता है चढ़ाने वाला, लेकिन रियल में प्रोवोकिंग मतलब होता है चढ़ना। तो देखेंगे उसमें, समझेंगे हम, जानेंगे। तो ये सब जो वर्ड है, हो सकता है आपको ना आ रहा हो तो आप लिख लिए होंगे, और आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, हो सकता है कि चैप्टर्स का जो स्क्रीनिंग है या जो दिखने में लग रहा है वो आपके बुक से अलग हो, क्योंकि कई सारे पब्लिकेशंस बुक हैं, दो तीन बुक पब्लिकेशन बुक हैं जो क्लास 12th के बुक को प्रिंट करती हैं। तो हो सकता है कि जो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक से आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन चैप्टर वही होंगे, कंटेंट वही होंगे, कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो मुझे, और इवन कमेंट कर सकते हो वीडियो के कि आपको ये दिक्कत हो रही है या ये परेशानी हो रही है, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो अबाउट द ऑथर की अगर हम बात करें, तो अबाउट द ऑथर में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ। ए जी गार्डिनर वॉज बॉर्न इन 1865। अगर आप ध्यान देखेंगे तो वो 1865 में बॉर्न हुए थे, ए जी गार्डिनर। और थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ये क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी कंटेंट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ। और ये एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और यहाँ तक की चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ही वर्क एंड एडिटेड, मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार थे वो, और उन्होंने एडिट किया, एडिटेड मतलब कि वो द डेली न्यूज़ जो लंदन की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर था, उसको उन्होंने प्रिंट किया या उसमें एडिटिंग करते थे वो 17 साल तक। हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क वॉज प्रिसिस्ट एंड किंग, जो उनके सबसे प्रोमिनेंट सबसे प्रमुख जो काम था वो था प्रिसिस्ट एंड किंग, ये बुक का नाम है। पेबल्स ऑन द शोर, ये भी एक स्टोरी का नाम है। एंड लीव्स इन द विंड, ये सब भी स्टोरी का नाम है। लीव्स इन द विंड से ही ये स्टोरी बनी हुई है। द प्रेजेंट एसे इज टेकन फ्रॉम लीव्स इन द विंड। लीव्स इन द विंड एक पूरी इनकी स्टोरी, एक पूरी स्टोरी टाइप की है, यानी कि पूरी बुक है, उसमें से एक पर्टिकुलर एक कंटेंट या बोल सकते एक चैप्टर उठाया गया है फेलो ट्रेवलर, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। तो ये अगर कोई पूछे अ फेलो ट्रेवलर कि कहाँ से आया है, तो ये अ फेलो ट्रेवलर लीव्स इन द विंड जो एसे है, बहुत बड़ा एसे है, उसका एक छोटा सा ये पार्ट है। सो इसमें ये बात है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बचा नहीं है। और अबाउट द लेसन चलते हैं, और भी कई चीज़ें होंगी, तो आप अगर आप चाहो तो आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अच्छी चीज़ें, हाँ ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो ये आपको ये एसे मिलेगा, ये एसे है मतलब कि ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप देखोगे बहुत ही ह्यूमेरियस चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ से बता दे रहा हूँ। ह्यूमेरियस टच कैन बी मार्क्ड एवरीवेयर इन द एसे, मतलब इस एसे में आपको थोड़ा हंसी मजाक वाली चीज़ें मिलेंगी हर जगह। टुवर्ड द एंड ऑफ द एसे, इसको एंड पढ़ते हैं, एंड नहीं पढ़ते हैं, टुवर्ड द एंड, और वो जो ए एन डी और वाला होता है हिंदी में, और जिसको बोलते हैं ए एन डी, इसको एंड पढ़ते हैं, और ये एंड होता है, अंतर समझ में आ गया, एंड एंड। तो होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे, एसे के अंत में, द ऑथर बिकम अ फिलोसोफर एंड स्टैब्लिशेस अ क्लोज रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो। इसमें मॉस्किटो एक मच्छर कहानी है, और अंत में इससे के जो अंत में आपको लगेगा कि जो राइटर वो फिलोसफर बन गए हैं, दार्शनिक बन गए हैं, कई चीज़ें कई कई चीज़ें बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और अंत में अच्छी रिलेशनशिप मतलब रिश्ता बन जाता है मॉस्किटो के साथ, किसका, राइटर का, और उसी मॉस्किटो को उन्होंने द फेलो ट्रेवलर का नाम दिया है। तो आप समझ गए होंगे स्टोरी क्या है। अबाउट द लेसन चलते हैं, तो साफ साफ है अ फेलो ट्रेवलर, अगर हम इसको हम अंडरलाइन करें यहाँ तक, तो क्या लिखा है, अ फेलो ट्रेवलर इज अ पर्सनल एसे। पर्सनल मतलब खुद के लिए एक एसे जैसा होता है, एक होता है नॉर्मल एसे, पॉपुलेशन पे एसे लिखो, पॉल्यूशन पे एसे लिखो, डाउरी पे, दहेज प्रथा पे एसे लिखो, तो उसको बोलते हैं हम सोशल एसे, इसको बोलते हैं पर्सनल एसे। तो ये पर्सनल एसे है, टेकन फ्रॉम लीव्स इन ऑफ द विंड, लीव्स ऑन द विंड जो बुक है या जो स्टोरी है पूरी उसमें से ये लिया गया है। इन विच द ऑथर डिपेक्ट हिज जर्नी, डिपेक्ट मतलब दर्शाना, तो दर्शाते हैं अपने जर्नी को इन अ वेरी फाइन ट्यून, सॉरी इन अ वेरी फाइन स्टाइल फुल ऑफ ह्यूमर, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ढेर सारे ह्यूमर के साथ
एक तरीके से मजाकीय रूप के साथ, मस्ती के साथ उन्होंने इस ऐसे को लिखा है। जर्नी मेड बाय ट्रेन हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो स्टोरी में ये है कि एक जर्नी होती है जो ट्रेन के द्वारा हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा रोचक हो जाती है। हिज फेलो ट्रैवलर मॉस्किटो, जो उनके फेलो ट्रैवल, फेलो मतलब होता है साथी, ये तो जो उनके फेलो ट्रैवलर, जो उनके साथ में चलने वाले ट्रैवलर थे, साथी थे, यात्री थे, वो मॉस्किटो थे, मॉस्किटो था एक तरीके से। हैज मेड द जर्नी मोर इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ जॉय। तो मॉस्किटो जो उनके साथ जर्नी ट्रेन पे जा रहा था, सिंपल है, अगर किसी आप डिब्बे में बैठोगे तो एक दो मच्छर दिख जाते हैं, तो वही कहाँ कहने मतलब है कि वो मच्छर के साथ जा रहे थे और वो जर्नी, जो वो यात्रा थी, वो उसको और इंटरेस्टिंग और मस्ती मस्ती से भरा बन गया। ही एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रेवलर। तो जो यहाँ ही मतलब राइटर की बात हो रही है, राइटर एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, बना लेना या एक तरीके से स्थगित कर लेना, सॉरी स्थापित कर लेना, यानी कि बना लेना। तो एक अच्छा रिश्ता बना लेते अपने फेलो ट्रेवलर यानी कि मच्छर से। एज बोथ ऑफ देम हैव बीन द क्रिएशन ऑफ अलमाइटी गॉड। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आखिर में वो एक जो सर्वशक्तिशाली भगवान है, उनके बनाए हुए क्या है, क्रिएशन है, उनका बनाया हुआ रूप है, यानी कि चाहे वो मच्छर हो चाहे वो इंसान हो, आखिरी में वो सब अच्छे क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक अच्छे रिश्ते में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आखिर में भगवान ने उनको बनाया है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेंगी और मित्रता हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं राइटर, द सिंबल ऑफ वननेस अमंग द लॉन्ग लाइन ऑफ क्रिएचर्स इन द इन दिस यूनिवर्स। सिंबल ऑफ वननेस, वो भगवान जिसने हम सबको बनाया है, वो एक प्रतीक भी देता है, सिंबल मतलब प्रतीक, कि सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सबकी बुद्धि अलग होती है, लेकिन एक तरीके से हम लोग एक ही हैं, क्योंकि हम भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए हम एक हैं। अमंग द लॉन्ग लाइन ऑफ क्रिएशन क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स, जितने इतने क्रिएचर हैं, सब हैं तो अलग अलग, लेकिन एक तरीके से हम एक ही हैं। और वो क्या है? भगवान के बने हुए क्या कहते हैं, चीज हैं, चीजें हैं, यानी कि बने भगवान ने हमें बनाया है। ये कहने मतलब है राइटर का कि हम सब एक समान है। हाँ, हमारे गुण अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज समान है कि हम भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हम हमसे मित्रता हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं राइटर, द प्रेजेंट पीस ऑफ द फाइन स्पेसिमैन ऑफ अ पर्सनल एसे। एक ये जो एसे है, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। स्पेसिमैन मतलब होता है डेमो, उदाहरण इसको बोल सकते हो आप, किसी भी पर्सनल एसे को लेकर, मतलब बहुत अच्छा एसे है। ये कहना चाह रहा है कि ये जो एसे है, ये जो चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इन दिस एसे द ऑथर हैज सक्सीड इन डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो। इस एसे में जो ऑथर है, मतलब जो राइटर है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सफल बना लेते हैं एक मॉस्किटो से, एक मच्छर से अपने रिश्ते को मजबूत करने में, रिश्ता बनाने में वो सफल हो जाते हैं। दैट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ फेलो ट्रेवलर, जिसको उन्होंने रिगार्ड दिया है, जिसको उन्होंने सम्मान दिया है कि वो एक मेरा क्या है, फेलो ट्रेवलर है। जनरली मच्छर को सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन राइटर ने उसको सम्मान दिया कि वो मेरा एक साथी है, मतलब यात्रा करते हुए मेरा एक साथी है। होप आपको समझ में आ गया। अगर छोटा सा ब्रीफ स्टोरी, ये ब्रीफ स्टोरी है क्या, अब चलते हैं मेन कंटेंट पे, जो हम देखने आए हैं या जो पढ़ने आए हैं। ये देखिए, आपको ये कहाँ से पढ़ना है, आई डू नॉट से लेकर अलोन तक, ठीक है? पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन, यहाँ मच्छर की बात हो रही है, कि हम में से कौन कैरेज यानी गाड़ी में पहले बैठा, यानी कि ट्रेन की गाड़ी में पहले बैठा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। मैं ये भी नहीं जानता था, वास्तव में आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था, या ये नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए था, या वो हमेशा के लिए, मतलब वो जो मच्छर था वो कुछ समय के लिए ही उसमें आया था गाड़ी में, कि वो हमेशा से उसी गाड़ी में था, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, सॉरी आई डिड नॉट नो, ये राइटर कह रहे हैं। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन एक जगह का नाम है, वहाँ लंदन से मिडलैंड जाने के लिए वो लास्ट ट्रेन थी उस दिन की, स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग मतलब रुकने वाली ट्रेन, एन इन्फिनिटिवली लीजरली ट्रेन, बड़े ही
आराम से, बड़े ही शांत शांत तरीके से, बड़े ही शान और शौकत तरीके से, या बड़े आराम तरीके से वो ट्रेन जा रही थी, बड़े ही आराम से, मतलब बहुत स्लो चल रही थी और हर स्टेशन पर रुक रही थी, जैसा कि आप पहले स्टोरी में पढ़ चुके हो। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मतलब ये उन ट्रेनों में से थी जो आपको अनंत काल तक ले जा सकती थी, मतलब कि आप सोच रहे हो कि अरे यार कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, और तब तक टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लग रहा है कि अरे यार ये टाइम खत्म ही नहीं होगा। वो अनंत काल, उस अनंत काल की बात हो रही है कि आप कल्पना करते हो कब हम पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, तो इतना स्लो वो ट्रेन जा रही है। तो वही लिखा है, वन ऑफ दोज ट्रेन, ये उन ट्रेन में से है विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको ये विश्वास दिलाएगा या ये एहसास दिलाएगा कि अनंत तक आप चल रहे हो, यानी कि बहुत स्लो चलता है, बहुत लेट पहुंचते हैं। तो सिंपल, आप कुछ ना कुछ सोचोगे, ऐसा सोचोगे आप। इट वॉज टॉलरेबली फुल वेन इट स्टार्टेड, मतलब लगभग जो था वो पूरा फुल था जब वो स्टार्ट हुआ, जब वो लंदन से मिडलैंड की तरफ बढ़ा। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबरन, सॉरी सबरन सॉरी सुबुर सुबुरबन, गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट एज वी स्टॉप एट द सुबुरबन, सुबुरबन या सुबुरबन ऐसे ही होगा, सुबुरबन स्टेशन द ट्रेवलर अलाइटेड इन वन एंड टू, क्या लिखा है, बट एज वी स्टॉप एट द सुबुरबन, मतलब कि स्टेशन, जब हम सुबुरबन स्टेशन पे रुके, द ट्रेवलर अलाइटेड इन वन एंड टू, तब जो ट्रेवलर थे, जो यात्री थे, अलाइटेड मतलब उतरना, एक दो में, एक दो मतलब कब, कोई स्टेशन पे एक लोग उतर रहा है, कई स्टेशन पे दो लोग उतर रहे हैं, ऐसे उतरने लगे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन, और जब हम लंदन का जो नहीं होता है सिटी होता है, मेन सिटी, फिर मेन सिटी से थोड़ा ऊपर एरिया होता है, गांव का एरिया होता है, फिर हम बोलते हैं ऐसा ये सिटी के बॉर्डर पर आ गए हैं, फिर बोलते हैं अरे अब हम नेक्स्ट सिटी में चले गए, वैसे ही मतलब है कि एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, मतलब जब हम लंदन से बाहर लगभग पहुंच गए थे, बिहाइंड आई वॉज अलोन, तो पीछे जो मैं लंदन को हम लोग जो पीछे छोड़ देते लगभग लगभग, तो मैं अकेला था, बिहाइंड आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या शायद मैं सोच रहा था कि मैं अकेला था, क्योंकि उस समय तो उनको पता नहीं था कि मच्छर मेरे साथ चल रहा है। तो बोल रहे कि जब वो ट्रेन जब लंदन के लगभग पार निकल गई, लंदन के बॉर्डर से पार निकल गई, या लंदन के बाउंड्री से पार निकल गई, तब मैं अकेला बचा था, या शायद मैं सोच रहा था कि मैं अकेला बचा था। समझ में आ गया आपको कि दो बातें यहाँ राइटर कह रहे हैं, एक कि मैं अकेला था, या वो ही सोच रहे थे कि वो अकेले थे, क्योंकि मच्छर तो उनके साथ था ही। तो ये बात हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। चलते हैं देख, जैसा कि आपको पता है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या पूछें। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैरा, लिखा है देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब जब अकेले थे वो, या अकेले महसूस कर रहे थे, तो बहुत उनको आनंद जैसा फील हो रहा था और एक स्वतंत्रता फील हो रही थी उनको। अबाउट बींग अलोन इन द कैरेज, कि वो अबाउट बींग अलोन इन द कैरेज, मतलब ये सोच कर या इस बारे में सोच कर कि वो अकेले हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और एक स्वतंत्रता फील हो रही थी। वो लिखा है देर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फीलिंग फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन द कैरेज, इन अ कैरेज, कैरेज में, उस गाड़ी में अकेले होने के कारण उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था और स्वतंत्रता फील हो रही थी। दैट इज जॉल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, मतलब जो पूरे रात को पूरा जो जॉल्टिंग उछल रहा था, कूद रहा था, आवाज़ आ रही थी, उससे जो उनको राहत मिली, तो वो उनको फ्रीडम महसूस हो रहा था, ये मतलब है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म, ये एक तरीके की तो स्वतंत्रता थी उनके लिए, इट इज लिबर्टी, स्वतंत्रता थी उनके लिए, और एक तरीके से बेशबरी, सॉरी बेसब्री थी, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही स्वीकार करने वाले रूप में उनको ये चीज़ मिली थी कि अरे भैया आराम से रहेंगे, और उनको कोई शर्त के बिना, बिना किसी दिक्कत के उनको आराम से जगह मिल गया कि वो आराम से उस कैरेज में, गाड़ी में बैठे थे, स्वतंत्र थे वो बिना किसी दिक्कत के, और उनको ये चीज़ें मंजूर भी थी, अग्रीएबल फॉर्म मतलब मंजूर भी था उनको उस रूप में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यहाँ बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू कैन, आप चाहे जितना मन करे उतना तेज आप अपने आप से बात कर सकते हो। सॉरी सॉरी गलती हो गया,
यस यस यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू कैन प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, मतलब यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो एज लाउड एज यू प्लीज, उतनी तेज उतनी जोर से आप बात कर सकते हो कि जो आपको आनंद दे। तो कभी क्या मन करता है चिल्ला चिल्ला के बात करें खुशी से, तो वो आप चाहो जितना चिल्ला के बात करो कोई दिक्कत नहीं है, एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपको सुनेगा नहीं क्योंकि है नहीं कंपार्टमेंट में या उस डिब्बे में कोई है नहीं गाड़ी में जो आपकी आवाज़ सुने। तो वही लिखा है एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हेम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। जोन मतलब यहाँ कोई जॉन, सॉरी यहाँ जॉन जो है वो कोई व्यक्ति है मतलब जिसमें आपको दुश्मनी है, काल्पनिक नाम है। ये क्या लिखा है, यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन। जोन मतलब यहाँ कोई व्यक्ति है, काल्पनिक व्यक्ति। नहीं होता है कि कभी मन करता है किसी दुश्मन से जिससे आपकी बहुत ज़्यादा नफरत है उस वो सामने आ जाए आपको बोलो मारो पीटो और कोई कुछ ना बोले, वही चीज़ है कि यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स। आप अपने दुश्मन से, यहाँ जोन मतलब दुश्मन समझिए, अपने दुश्मन से आर्गूमेंट बहस कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली, और उसे रोल रोल मतलब उसे घुमा सकते हो यानी कि गिरा सकते हो, उसको गिरा कर जीत सकते हो। और ट्रिम्फेंटली मतलब विजयी रूप से आप जीत भी सकते हो उस पर। इन द डस्ट मतलब उसको धूल में मिलाकर यानी कि उसको हरा कर आप विजयी भी पा सकते हो, विजय हो सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी डर के कि वो सामने से रिप्लाई आएगा या सामने से कोई मुझे मारेगा, रिप्लाई करेगा यानी कि सामने से कोई मुझे प्रतिघात करेगा। काउंटर स्ट्रोक मतलब प्रतिघात करना। तो यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जॉन जोन एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। आप अपने दुश्मन से आर्गूमेंट कर सकते हो, उसको आप हरा सकते हो, विजयी हो सकते हो, इस बिना किसी डर के कि सामने से प्रत्याघात यानी कि रिप्लाई आएगा। जब आप किसी को मारते हो तो रिप्लाई आता है, आप किसी को दो थप्पड़ मारोगे तो वो आपको मारेगा, वो नहीं होगा। ये बात कर रहे हैं राइटर। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, सॉरी हेड होगा, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने हेड पे अपने सिर पे भी खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई आपको दिखेगा नहीं, मतलब आप ऊटपटांग काम कर सकते हो, अपना सिर पे खड़े हो सकते हो, आप अपने दुश्मन से काल्पनिक रूप से झगड़ा कर सकते हो, मार कर सकते हो, उसको मार सकते हो, जीत सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा कर सकते हो, आप चिल्ला के बात कर सकते हो। यू कैन सिंग और डांस और टू स्टेप, आप गाना गा सकते हो या आप एक दो स्टेप आप नाच सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ मतलब कि जो गोल्फ गेम होता है उसमें गेंद को जो मारा जाता है, हॉकी हॉकी तो डंडा होता है जो हम मारते हैं जोर से फिर वो दूसरे को जाता है फिर होल में गिरता है, वो आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और प्रैक्टिस कर सकते हो गोल्फ स्ट्रोक मतलब गोल्फ मारने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर विदाउट लिट और हेंड्रेंस, बिना किसी दिक्कत के बिना किसी बाधा के आप मार्बल यानी कंचे खेल सकते हो। हम लोग बचपन खेलते हैं ना कंचे, छोटे जब रहते हैं तो गोलियों से कंचे खेलते हैं, वही अब वो भी खेल सकते हो। ये राइटर जो है वो काल्पनिक रूप से बता रहे कि आप ये कर सकते हो कल्पना के रूप में। जैसे आप भी सोचो आप बस में अकेले हो तो सोचते हैं ये कर लें वो कर लें, अरे यार एकदम बड़ा आराम है सो सकते हैं, और अगर ड्राइवर ना कुछ बोले इसका मतलब चिल्ला के बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मज़ा आता है ना जब अकेले आप रहो। तो वही यहाँ पे राइटर को भी फील हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें किया जा सकता है। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, मतलब प्रोवोकिंग बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी मतलब विरोध के आप प्रोवोक करना, रोकना मतलब एक तरीके से चिढ़ाना, बिना किसी को चिढ़ाए, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के आप विंडो सॉरी विंडो जो होता है उसको आप खोल बंद कर सकते हो, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना। बड़ा मजा आता है अकेले रहने पे, खिड़की खोलना खिड़की बंद करना, खिड़की खोलना खिड़की बंद करना, ऐसे एक छोटा सा बच्चा करता है, वैसे बोल रहे राइटर कि आप कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों विंडो खोल सकते हो, आप उसको दोनों को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई रहेगा तो उसको डिस्टर्ब होगा, बोलेगा अरे मत करो मत करो क्या कर रहे हो, तो जब अकेले रहोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आप कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल फ्रीडम मतलब होता है कि स्वतंत्रता के अवसर पे, स्वतंत्रता के अवसर पे
ध्यान समझिए, और शॉर्ट ऑफ ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता के अवसर पे, स्वतंत्रता के अवसर पे समझ जाइए। फिर इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, मतलब वास्तव में आप उसको खोलने जा सकते हैं, बंद करने जा सकते हैं, यानी कि आप उसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं, कि इस किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में कि आप आज़ाद हो, इस खुशी में आप उसको बंद खोल सकते हो, यानी कि मस्ती कर सकते हो पूरा, ये मतलब है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम आप किसी भी कॉर्नर में जा सकते हो, किसी कॉर्नर में आप रह सकते हो। यू चूज जो आप चूज करोगे एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप चाहो तो नहीं होता है कि एक टर्न में आप चूज कर सकते हो, मैं कुछ समय यहाँ बैठूंगा, कुछ समय यहाँ बैठूंगा, कुछ समय यहाँ बैठूंगा, इस तरह भी आप कर सकते हो। टर्न मतलब होता है कि मौका, तो अलग अलग मौके पे आप अलग अलग कॉर्नर को चूज करके बैठ सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द हार्ट ऑफ डोरा। देखिए मैं इसको थोड़ा और छोटे में समझा रहा हूँ। यू कैन लाई, आप लाई मतलब यहाँ लेटना, आप लेट सकते हो एट फुल लेंथ ऑफ द कुशन, तकिया तकी तरीके का बना होता है ना, जिसमें सब लोग बैठते हैं ट्रेन में जाओगे तो वो बैठने के लिए होता है ना, चेयर टाइप का या सोफा टाइप का, आप उस पर आराम से लेट के लेट सकते हो, उस तकिया बनाकर उसको सो सकते हो। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, आप इंजॉय कर सकते हो वो शानदार जिंदगी। कौन सी जिंदगी? ब्रेकिंग द रेगुलेशन। ब्रेकिंग द रेगुलेशन मतलब होता है नियमों को तोड़ना, नियमों को तोड़ने का जो एक आनंद होता है, ऐसे होता है स्कूल टाइम में हम लोग टीचर आने वाले हैं, टीचर बोलते हैं कि 5 मिनट के अंदर आ जाएगा क्लास में, फिर हम लोग 6 मिनट बाहर जाते हैं, 7 मिनट बाहर जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा उस समय मूड करता है अरे यार चलो एक दो रूल ब्रेक कर दें। नियम ये है कि 8 बजे तक आपको स्कूल में आना, लेकिन आप 8:10 पे आते हो कभी कभी ऐसे ही मस्ती में, तो वो सब वही बात है कि जब आप रूल ब्रेक करते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे है, राइटर कह रहे हैं एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और जो नियम है उनको तोड़ने का वो आप जो आनंद है उसको आप महसूस कर सकते हो, उसको आप उसका आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और आप जो रूल और रेगुलेशन है डोरा का, डोरा मतलब यहाँ पे मतलब है कि द डिफेंस ऑफ द रियल मार्ट। द डिफेंस ऑफ द रियल मार्ट मतलब क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1914 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय उन्होंने एक एक्ट लगाया था कि आप ये चीज़ें कर सकते हो सार्वजनिक रूप पे और ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, कुछ रूल्स उन्होंने लगाया था, उसको डोरा कहा जाता है। तो वही बात है कि आप जो डोरा का जो नियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया है उसको आप तोड़ सकते हो, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा, जब कोई देखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, तो आप तोड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसको इंजॉय कर सकते हो, यही मतलब है। एंड जो आपको लिखा है द हार्ट ऑफ डोरा मतलब है कि वही डोरा का नियम, द हार्ट ऑफ मतलब जो डोरा का नियम, समझ जाइए यहाँ हार्ट मतलब दिल नहीं है, यहाँ मतलब है नियम। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, यहाँ हर मतलब नियम को फीमेल माना गया है, ठीक है, नियम क्या माना गया है, फीमेल, जैसे होता है ना कि हम लोग हर चीज को मेल फीमेल मान लेते हैं, आकाश को हम लोग मेल मानते हैं, मेल मानते हैं ना, मनी लक्ष्मी को हम लोग फीमेल मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे नियम को जो राइटर ने उसको क्या माना है, फीमेल माना है। तो ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, सिर्फ मैं तो जानूंगा कि भैया मैंने नियम तोड़ा है, लेकिन जो डोरा है, जो नियम कानून है, वो तो जानेगा नहीं कि मैंने नियम कानून तोड़ा है। यहाँ मतलब क्या है, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन मतलब उसका दिल टूटा है, यानी कि उसका नियम टूटा है, ये वो नहीं जानेगी। एग्जाम्पल के लिए से बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप ही हो, एक हमारे यहाँ हमारे इंडिया में एक नियम है कि आप किसी को सामने वाले को कुछ अपशब्द नहीं कह सकते हो, या किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते हो, लेकिन जब अकेले हो आप बुरा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि आपने कुछ बुरा किसी के लिए कहा है, यानी कि आपको तो पता है आपने बुरा कहा है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता है। वैसे यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, केवल डोरा, मैं तो जानूंगा, लेकिन केवल डोरा ही है मतलब जो गवर्नमेंट है, जो जिसने रूल बनाया, उसी को नहीं पता होगा कि उसका रूल टूट गया है, ये मतलब है। वी हैव स्केप्ट इवन डोरा, सॉरी यू हैव स्केप्ट फ्रॉम डोरा, और आप
डोरा से आराम से बच सकते हो, मतलब जो डोरा का नियम है उससे बच सकते हो, क्योंकि अगर कोई पैसेंजर होता है, कोई साथ में होता है, तो वो कह देता है अरे तुम नियम तोड़ रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो केस नहीं आया। यानी कि किसी को पता ही चले, जब किसी को पता ही चलेगा, तुम जो डोरा का नियम है या जो दंड होता है एक तरीके से, उससे आप बच सको, बच जाओगे। तो ये एक तरीके से है, राइटर कह तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन यू का प्रयोग करके आप बता रहे हैं कि ये आप भी कर सकते हो, अगर आप भी कभी अकेले ट्रेन में रहोगे तो ये जो स्टोरी है थोड़ी सी मिसमैची या पैची है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन इसको आप जब कंज्यूम करेंगे एज अ स्टोरी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करें और फिर से देखें, हो सकता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी और अगले कुछ और वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अगला वीडियो मैं जब डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी कि आप मान लो सुबह सुबह 8 बजे उठे हो तो आपको नोटिफिकेशन, एक सूचना मिल गई कि नया वीडियो आ गया है अब फेलो ट्रैवलर का, तो आप तुरंत जाकर देख सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो, तो आप बेल आइकन भी क्लिक कर दें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या अच्छा वीडियो लग रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।